मैं यहाँ पर बतौर मुख्य चिकित्सा अधिकारी बता रहा हूँ, पिछले काल से संभाला है। तो अभी तो मैं व्यवस्थाओं का जायजा ले रहा हूँ, जो स्वास्थ्य सुविधाएं हम प्रदान कर रहे हैं उसके बारे में, स्वास्थ्य संस्थानों के बारे में। क्योंकि मैं यहाँ का मूलतः यहाँ का रहने वाला हूँ और मैंने यहाँ पर काफ़ी साल तक सर्विसेज दी है, एज ए डीएमओ भोरंज और डीएमओ नगांव के तौर पर भी यहाँ पर काम किया हुआ है, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मीरपुर में भी एज एनएसएसपी और एज लैप्रोस्कोपी सर्जन काम किया। तो मोटे तौर पर तो मुझे समस्याओं और चीज़ों का पता ही है, परंतु स्वास्थ्य विभाग तो इमरजिंग फील्ड है, तो पहले से हमारे जो चैलेंजेस थे वो लाभ थे, अब चैलेंजेस लाभ आ गए। तो स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा। आजकल के ज़माने में एक तो मानसिक विकार, मानसिक समस्याएं और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो बढ़ती जा रही हैं, उसके बारे में भी स्पेशल कंपेन चलाएंगे। मैं इस के लिए पूरे का पूरा प्रयास करूँगा, क्योंकि मानसिक समस्या से हमारे युवा पीढ़ी जो है नशे की तरफ जा रही है, तो उसके लिए एक 14-16 टेली माइनस की चल रही है, उसकी जो सुविधा है और हम भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि लोगों का स्वास्थ्य। मैं काफ़ी पहले रह चुका हूँ, 2003 के बाद उसके बाद बात कर रहा हूँ कि एक मानसिक स्वास्थ्य और नशे का जो प्रचलन ज़्यादा चल पड़ा है, तो उसके ऊपर विशेष प्रयास रहेगा। जैसी भी सुविधा अनुसार, जरूरत के अनुसार, जहाँ जरूरत होगी वहाँ मेडिकल कैंप भी लगाए जाएंगे, और जो भी सरकार के दिशा निर्देश होंगे उनको पालन किया जाएगा। और जैसे आपने बताया मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि उनके उम्मीदों पर, स्वास्थ्य विभाग की उम्मीदों पर खरा उतरे।